गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय लाइफ इज वंडरफुल और मैं हूँ साथी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 10 और मैं आ चुकी हूँ किचन में कुकिंग करने के लिए, लंच तैयार करने। हस्बैंड का है इवनिंग शिफ्ट तो वो जाएंगे, तो इसलिए फटाफट से मुझे खाना बनाना है। ये रही बेटू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी बेटू खेल रही है और यहाँ पे है डुगू बेटा। डुगू देखो, इधर सुलाया था इस साइड में, उस साइड में हेड था। अभी जिस साइड में उसका पैर है ना, उस साइड में उसका हेड था, इस साइड में पैर था। पहले ऐसे हुआ सीधा, फिर ऐसे हो गया। देखो अभी फिर से ऐसे घूमेगा। डुगू बाबा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बेटू अभी खेल रही है। बेटू के खाना नीचे पड़ा हुआ है पर खा नहीं रही है। नीचे आ जाओ, खा लो। क्यों 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 क्यों? नहीं 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 नहीं। तो बेटू खेल रही है और वो उसके तरफ देख रही है। वो भी खेल रहा है इसको देख के देख के। तो आज मैं लंच में क्या बनाने वाली हूँ वो बता देती हूँ। तो राइस मैंने चढ़ा दिया है, यहाँ पे हो रहा है मेरा दाल, और यहाँ पे फिश है जो मैंने अभी निकाला है फिश से, थोड़ा सा अभी मतलब जम गया है तो उसे पानी में रखना है। और बनाऊँगी एक क्या बोलते हैं हम लोग बंगाली में चौड़चौड़ी बोलते हैं, एक सब्जी होता है एक करी। तो ये सीम बैंगन और ये जो कॉलीफ्लावर का ये डंठल होता है ना, इससे बनाऊंगी देकर। और पटेटो और टमाटर, ये बनेगा मस्टर्ड पेस्ट के साथ। हाँ ओ बेबी और बोल दो। और थोड़ा सा सोच रही हूँ कि कॉलीफ्लावर फ्राई करूँगी आलू के साथ, थोड़ा सा सैलो फ्राई तो यही है। तो चलिए देखते हैं क्या कब बना पाती हूँ। अगर डुगू खेलेगा तो बना लूंगी सब कुछ, और अगर रोएगा तो बंद कर दूंगी। सिर्फ दाल और फिश और ये बना। ये तैयार हो चुका है हमारा मस्टर्ड पेस्ट। फ्राई करने के बाद उसी ऑयल में देखिए मैंने प्याज दे दिया है। और आज मैं एक ही मसाले से दो करी बनाने वाली हूँ, तो एक है फिश करी और एक जो मैंने सब्जी बनाया बताया आप लोगों को वो। मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और मस्टर्ड पेस्ट दोनों देके बनाऊंगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा कम जाएगा और थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा ये मस्टर्ड पेस्ट। तो इससे क्या होता है जल्दी बन भी जाएगा, मतलब एक ही काम में दो काम हो जाएगा मसाला, और दोबारा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा उठा कर रख लूँगी सब्जी के लिए तो हो जाएगा। और ऐसी फिश करी मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, आप लोगों से शेयर भी कर चुकी हूँ, तो ये कुछ नया नहीं है। और सब्जी इसमें बनाऊँगी तो फिश का जो स्मेल होता है ना वो थोड़ा सा आएगा, तो सब्जी भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। वैसे भी कोई फिश ऑयल वगैरह मिलता है ना तो हम उसमें डाल देते हैं तो अच्छा लगता है। मसाला देखिए भून चुका है और डुगू यहाँ पे उठ चुका है, मतलब उठ चुका है मतलब नहीं सोएगा, उसको अभी निन्नी आई है तो निन्नी अभी निन्नी निन्नी करेगा मेरा बेटा। निन्नी 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 आई है तो चलिए मैं उसको सुला देती हूँ, फिर बाद में दो करी चढ़ाएंगे। अभी तो मैं गैस को बंद कर देती हूँ। सो दोनों देखिए मसाला मैंने अलग कर लिया है, ये एक फ्राई मसाला और ये फ्राई है। इसमें मैं फिश बना लूँगी और इसमें सब्जी चढ़ा दूँगी। तो इसमें चलिए पानी ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ये सब्जी भी चढ़ा दिया है और ये फिश धीरे धीरे बनेगा, और मैंने थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है इसमें, तो इसमें बॉईल होते होते पक जाएगा। और सब्जी भी मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो बस हमारा क्विक लंच रेडी, यहाँ पे राइस हो गया है, फिश और सब्जी, और दाल को मैं बाद में तड़का लगाऊंगी। हो गया बेटू, गुड गर्ल हो गई है ना, अभी अकेले अकेले खा लेती है। ब्रेकफास्ट कम्प्लीट, चलो हाथ धो लो। डुगू बेबी भी हमारा सो चुका है। कीप साइलेंट।
तो मैं अभी आ चुकी हूँ नहाकर, और डुगू अभी सो रहा है, सुबह मैंने नहला दिया है। हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम पे, मतलब ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। बेटू भी नहा चुके हैं, वो अभी कार्टून देख रही है, तो उसे मैं अभी उनकी लंच खाने के लिए, और मैं जस्ट अभी नहा के निकली हूँ। तो डुगू जब तक सोता है तब तक मैं और बेटू लंच कर लेते हैं। और आज तो बेटू को शायद खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आज फिश है तो काटा निकालना पड़ेगा, वो तो निकाल नहीं पाएगी। तो चलिए फटाफट से लंच कर लेते हैं डुगू उठने से पहले। बेटू का लंच दाल मैंने अच्छे से राइस के साथ मिला दिया है, और फिश फ्राई। क्या चल रहा है? क्या कार्टून? चलो बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ। তুমি নিয়ে নাও না, আসনটা নিয়ে নাও। তোমার কোথায় ওটা, কোথায় নিয়ে তাড়াতাড়ি বসে যাও। হ্যাঁ, মেরা লাঞ্চ সাথ মে থোড়া সা ইয়ে মির্চ কা আচার হ্যায়। কল কল आज, और नहीं तीन तीन खा लिया तुमने ऑलरेडी, तीन खा लिया। अभी राइस खाने के बाद अभी देखो तीन ऑलरेडी खा लिया है, अभी फिर से खाना है। क्या होगा, पेट में दर्द हो जाएगा। नहीं, दो में अच्छा थोड़ी देर बाद खा लेना, दो तीन घंटा बाद खा लेना, ठीक है। जाओ रख के आ जाओ, नहीं, 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 मामा बात सुनना चाहिए ना मामा का। जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। और हमारा जग्गू अभी सो रहा है, निन्नी कर रहा है, पर आँख थोड़ा सा खुला हुआ है ये देखो, और सोते वक्त सिर्फ वही करती है, गर्दन को हिलाती है, गर्दन को सिर्फ हिलाता रहता है ये डुगू। नीनी ये देखो बदमाश लड़की। और डुगू क्या हुआ? अरे देखता हूँ कि देखता हूँ शक्तिमान। हाँ तू ही हटो, हाडी मैन ना हाडी मैन। সবাই মিলে বেরু যাবো, চলো চয়ো চয়ো। হ্যাঁ উঠো উঠো উঠো, উঠ যাও উঠ যাও। জুগু ওলে বাবলে দেখো কিছু বেতা মিলে বেতা ডুগু বাবা। वेदर बहुत ही ख़राब है, बारिश होना शुरू हो गया है ऑलरेडी, ठंड भी लग रहा है। और ये देखिए हमारा छोटा सा गार्डन का निर्माण, नया नया फ्रेंड्स मेरी गोल्ड का। उठा 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 उठा, दूध का पैकेट धीरे धीरे उठाना, गिराना मत। धीरे 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 धीरे, वैसे नहीं वैसे नहीं वैसे जैसे कर रही थी। इसमें फिर से कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है, तो अभी फिर से इसका दवाई चालू है। उठ गया बेटू को कितना काम आता है, दे दो मुझे, दे दो। नहीं नहीं, आराम से रखना, चले जाओ खोल लो। फ्रिज में नहीं खोल पाओगे? नहीं, चलो रखो अभी। मैं रख रही हूँ, जाओ। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम हो चुका है और तब 4:30 बजे बंदरिया मंकी मामा पड़ी अभी, किंतु बॉस बॉस जिनिस पर तो आज ऊपर पड़ी अभी। तो 4:30 बजे डुगू उठ गया था, फिर उसको सुला के मैंने सारा काम स्टार्ट किया। दोपहर को मैंने किचन क्लीन ना करके ही सो गई थी, थोड़ी देर लेट गई थी। जब भी टाइम मिला मिलता है ना थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ दोपहर को। और फिर मैंने किचन विचन क्लीन करके, कपड़ा वपड़ा था कुछ तो घर भर समेट के, दियाबाती तो मैं अभी नहीं करती हूँ, और मतलब ऐसे ही धूप वगैरह दिखा के मैं बना रही हूँ चाय। ये लगा, ये लगा। मैं जगह नहीं है क्या और बैठने के लिए, है क्या? नहीं नहीं है, शायद नहीं है घर में बैठने। बनाना, और आज मैंने कुछ नहीं बनाया, बस रोटी और एक
मिक्स वेज फ्राई बनाया है, जो कि मैं सुबह बनाने वाली थी, वो नहीं बना पाई थी सुबह। तो मतलब कढ़ाई में तो दे दिया था, बट ये उड़ गया था तो बंद करके बस रख दिया। हस्बैंड को बोला कि मैं रात को बनाऊंगी, है तो वही रात को बनाया। सोचा था कि थोड़ा सा, मम्मा कैमरा टहल जाऊँ, और सोचा था कि थोड़ा सा गोभी मंचूरियन बनाऊंगी, ये सो रहा था तो हुआ नहीं, ये फिर से उठ गया। बहुत दिनों से सोच रही हूँ पर हुआ नहीं, क्या करें, और कुछ दिन बनाऊंगी। बोलो बाबू जी, तो चले गए। आज के इस छोटे से ब्लॉग को एंड करती हूँ, और आज मेरा आवाज़ थोड़ा सा अलग लग रहा होगा आप लोगों को, शायद ठंड की वजह से। ऐसे तो जुकाम नहीं है पर गला बैठ गया है तो इसीलिए बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही है। तो चलिए आज के ब्लॉग का ही एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में या न्यू ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।